वेलकम बैक टू द हंड्रेड केसेज दिस वीडियो विल टॉक विद ऑफ सुशीला कुमारी डांग प्रेम कुमार डांग एंड इफ यू वॉन्ट चेक आउट दिस केस इन डिस्क्रिप्टिव मैनर प्लीज चेकआउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड मेक श्योर इब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज विकम बैक टू यू ट्वाइस एवरी वीक तो इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है और उसके कुछ टाइम बाद तक वो लोग साथ में रहते हैं बट एक दिन अचानक से ये वाइफ जॉब पे जाती हैं और फिर वो वापस घर लौट के नहीं आती हैं और फिर पता चल रहा है कुछ महीनों बाद कि वाइफ के एक बेटी हुई है तो उसके बाद जो हस्बैंड होते हैं वो रेस्टिट्यूशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स के लिए फाइल करते हैं कोर्ट में और कोर्ट उनकी ये अपील अलाउ कर देता है और वहीं दूसरी तरफ वाइफ नहीं चाहती थी हस्बैंड के संग रहना लेकिन ट्रायल कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्जुगल राइट के लिए हस्बैंड को अलाउ कर दिया था अब कुछ दिनों बाद जो हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और वो जुडिशियल जैसे ही वाइफ को ये बात पता लगती है तो वाइफ अपनी अपील लेके आती हैं हाई कोर्ट और वो हाई कोर्ट में आके ये कहती हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है रेजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स का वो ऑर्डर एक गलत ऑर्डर है और उस ऑर्डर को हटा दिया जाना चाहिए अब कोर्ट जो होता है वो दोनों तरफ की बातें सुनता है कि रेस्ट्रेशन फॉर कॉन्जुगल राइट्स क्यों नहीं होना चाहिए वाइफ ये कहती हैं कि जो हस्बैंड होते हैं वो उनको मारते थे परेशान करते थे और एल्कोहल पी के उनके लिए दिक्कत पैदा करते थे और वहीं हस्बैंड का ये कहना था कि जो वाइफ है वो उनके प्रति सम्मान नहीं दिखाती थी और वाइफ के रिलेशंस किसी और मर्द के संग भी चल रहे थे तो ये सब सुन के कोर्ट ये देखता है कि हस्बैंड ने जुडिशल सेपरेशन के लिए भी फाइल कर दिया है उसके बाद हाई कोर्ट इस डिसीजन पे आता है कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वो ऑर्डर सही है बट अगर इस सिनेरियो में देखा जाए कि जो हस्बैंड है उनका मेन इंटेंशन वाइफ अपने कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट नहीं करना है बट उनका कोई और ही मेलिशियस इंटेंट है तो इसीलिए जो कोर्ट होता है वो इस ऑर्डर को